शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप कुशल होंगे। मैं रिया विद्यापाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका आज आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 15 पाठ 15 तेनाली रामस्य चातुर्य। यह पाठ हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा इसका जो अंश बचा है वो आज हम लोग देखेंगे। तो आप अपने बुक का पेज नंबर 79 निकाल लीजिए जल्दी से। चलिए देखिए इसमें निर्वाह अये पिए वालिना, ठीक है। हे प्री मीठा बोलने वाला व्यक्ति जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिए वालिना। हे पिए बोलने वाले, तुम समुचितम बता, तुमने समुचित यानी बिल्कुल ठीक ही बोला। एकम अन्य अपि पुरस्कारम तुभ्यम ददामि, ठीक है। मैं तुम्हें एक और पुरस्कार देता हूँ, ठीक है। तुभ्यम का अर्थ होता है तुम्हें। तुभ्यम का अर्थ होगा तुम्हें या तुमको, ठीक है। मैं तुमको एक और पुरस्कार देता हूँ। सेवका धनराशि दूतकम स्वीतम तस्मिन् यच्छति, जो सेवक था राजा के साथ उससे बोले कि तुम इसे दूसरा थैला, स्वीते मतलब क्या होता है दूसरा, स्वीतम का अर्थ होता है बेटा थैला, ठीक है। तुम इसे दूसरा थैला, जो बैग होता है उसे हम कहते हैं स्वीतम संस्कृत में, दे दो। मालाकारा माली बोल रहा है, प्रश्न भूत्वा मैं बहुत प्रसन्न हुआ। अहो भवता महान अनुग्रह, अहो मतलब हे आपका क्या है, बहुत मतलब मेरे ऊपर महान अनुग्रह बड़ी कृपा होगी, यानी कि आपने मुझ पे क्या किया, बहुत बड़ी कृपा। पहले भी उसने एक बैग दे दिया था सोने के सिक्के का, अब उसे वो दूसरी बैग दे दिया। ऐसा तरु प्रति वर्षम एक बारम फलानी दास्यति, यह जो पेड़ है ये प्रति वर्ष हर वर्ष क्या होगा, एक बार फल देगा। किंतु भवाना वृक्ष रोपण दिशे एवं मह्यम द्विवारं फलं प्रदाये एकं नवीनं उदाहरणं प्रस्तुतये, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जिस दिन मैंने इस पेड़ को रोपा उसी दिन इसने मुझे दो बार फल देकर उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अब ये बताओ जिस दिन हमने पेड़ रोपा उसी दिन फल हमें मिलेगा, नहीं ना। तो ये क्या है, बोलने का एक क्या तरीका होता है, ठीक है। लोगों को हम कैसे कन्विंस करते हैं, तो उसका जो बोलने का तरीका था उसने उससे क्या हुए, राजा बहुत प्रसन्न होंगे। आगे देखो, नृपा अधुना हम त्वम वाक पाटवम प्रशंस्यामि, ठीक है। अब मैं तुम्हारे वाक चातुरी यानी कि वाक मतलब बोलना और चातुरी मतलब उसकी चतुराई का मैं प्रशंसा करता हूँ। तुभ्यम तृतीयम स्वीतम अपि ददामि, मैं तुमको तीसरा जो बैग है सोने के सिक्के का वो भी मैं तुम्हें देता हूँ। शीघ्रम च इतः गच्छामि, शीघ्रम मतलब जल्दी तुम यहाँ पे आओ। मालाकारा छठीति कृतकम वेशम अपसारयति, जो माली है वो क्या करता है, छठीति मतलब जल्दी से कृतकम मतलब होता है बेटा नकली, ठीक है। जो नकली होता है उसको हम कहते हैं कृतकम। जैसे आप लोग भी नाटक करते हैं तो आप लोग भी फेस धारण करते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। तो माला कारा छठी थी कृतिकम वेशम अपसारयति, उसने क्या किया कि जल्दी से अपना जो नकली वेश था उसको उतार दिया। अधुना नृपा समक्षम तेनाली रामा तिष्ठति, और राजा के सामने कौन बैठा था, तेनाली राम यानी कि जो वो माली था वो कौन था, तेनाली राम। पहले ने पढ़ा था ना कि वो बात वो उनको बता रहा था लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो रहे थे, ना वो हो रहे थे ना सभा के लोग हो रहे थे, तो उसने क्या किया, माली का रूप धारण करके राजा को प्रसन्न करने का कोशिश किया।
तेनालीराम भगवान प्रसिद्धतु अहम तेनालीराम भवता त्रिवारं पुरस्कारं अविद्यम अविन्दम। भगवान आप मेरे पे क्या है बहुत ही प्रसन्न है। अहम तेनालीराम यानी कि मैं तेनालीराम हूँ, भवता आपने मुझे त्रिवारं तीसरी बार पुरस्कार दे दिया है। नृपा उत्तमं तेनालीराम भवन्तं पुरस्कृत्य न अहम खिन्नम। ठीक है, उत्तमम यानी कि बहुत अच्छा तेनालीराम, बहुत अच्छा तेनालीराम भवन्तं पुरस्कृत्य यानी आपको मैं पुरस्कार देकर खिन्नम मतलब दुखी नहीं हुआ। भवान विलक्षणं कौशलं प्रत्युत्पन्नति च, आप विलक्षण यानी विलक्षण कौशल यानी कि अनोखी कुशलता से क्या है आप अनोखी कुशलता है या अनोखी आप बुद्धि वाले हैं कि आप में ये है कि आप किसी को भी खुश कर सकते हैं या प्रशंसन कर सकते हैं। नूनम भवान विजेता, नूनम नूनम मतलब निश्चय ही, नूनम का अर्थ क्या होगा निश्चय। आप विजयी होंगे ठीक है, क्योंकि आपने मुझे पसंद किया तो आप ही विजय हुए राइट। राजा तो विजय नहीं हुए, कौन विजय हुआ तेनाली राम। और तेनाली राम ने कैसे राजा को खुश किया तो माली का रूप धारण करके। ओके, तो ये चैप्टर इतना ही था। इसके बाद है पटाक्षेपक। पटाक्षेपक का अर्थ होता है पर्दे का गिर जाना यानी जब नाटक खत्म हो जाता है तो क्या होता है ये क्लोज होता है। जैसे आप मूवी भी देखते होंगे तो मूवी क्या होता है जब खत्म होता है तो क्या लिखा आता है द एंड राइट। तो उसी तरह नाटक क्या हुआ खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे सेवन क्लास जो पाठ बोध का क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट वो हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 80। फर्स्ट क्वेश्चन है विकल्पभ्या उचितम पदम चित्वा लिखत, विकल्प से उचित पद को चुनकर लिखिए। कृष्णदेवरायस्य विदूषक कः आसीत्, कृष्णदेवरायस्य का विदूषक कौन था। आंसर क्या होगा तेनाली राम। तेनाली राम कस्य सभायाम अगच्छत, तेनाली राम किसके सभा में गए। तो आंसर क्या होगा बाबरस्य, बाबर के सभा में। सह कम प्रसादेतु अचेष्टत, उसने वह किसको प्रसन्न करना चाहते थे तो नृपतिम यानी कि राजा को। मुगलपति उद्याने केन सा भ्रमति अस्मा, जो मुगलपति हैं वो उद्यान में किसके साथ घूम रहे हैं। स्व सेवकेन अपने सेवक के साथ। तत्र वृद्धा किम रोप्यति अस्मा, ठीक है वहाँ पे जो वृद्ध यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो क्या रोप रहे हैं आम्र पादपम यानी कि आम का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व है आपके बुक में पूर्ण वाक्य उत्तर यानी कि आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। मुगल पतिह किमर्थम तेनाली रामम आहयत, ठीक है मुगलपति जो हैं किमर्थम किस लिए तेनालीराम को बुलाए। मुगलपति तेनालीरामम तस्या कौशलस्य बुद्ध्या च परीक्षार्थम आवयत, यानी मुगलपति ने तेनालीराम के बुद्धि कौशल, ठीक है यानी कि उनकी जो बुद्धि है वो कितनी कौशल कितनी चतुराई है उसमें उसके परीक्षण के लिए उन्होंने बुलाया। दिलेश्वरा मुगलपति कह आसित, ठीक है दिल्ली के मुगलपति कौन था। दिलीश्वरा मुगलपतिया बाबरह आसी, दिल्ली के मुगलपति बाबर थे। निरपति बाबरह उद्याने कीम पश्यति, राजा बाबर ने उद्यान में क्या देखा। निरपति बाबरह उद्याने पश्यति यत एकः कृषकाय वृद्धा आम्रपादपं रोप्यति, ठीक है उन्होंने देखा कि राजा क्या कर रहा है एक कृषिकाय यानी कि वृद्ध राज कृषिकाय वृद्धा आम्रपदम आम्रपादपम रोपित, एक वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहे हैं आम का पेड़ उद्यान में रोप रहे हैं।
निरपति मालाकार की मयक्षत। निरपति ने यानी राजा ने मालाकार को क्या दिया? निरपति मालाकाराय पुरस्कारम अयक्षत। निरपति ने मालाकार को पुरस्कार दिया। वस्तुतः मालाकार आसित। वस्तुतः जो मालाकार है वो कौन था? तेनालीराम, राइट। तो वस्तुतः मालाकार तेनालीराम आसित। ठीक है, तो आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया। ओके, अब आप लोग का जो होमवर्क है वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग नोट डाउन करेंगे। आज का होमवर्क है पार्ट 15 का, पार्ट 15 का प्रश्न 1 और 2 पूरा करें। ठीक है, आपको प्रश्न 1 और 2 क्या करना है अपने नोटबुक में पूरा करना। आप सबको पता है कि हम लोग पाठ बोल नोटबुक में करते हैं और व्याकरण बोल बुक में, तो ये आपको 1 और 2 अपने इसमें करना है, नोटबुक में पूरा करना है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।